नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर देवरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि देख सकते हैं इनके शेयर्स में आज के दिन 3.51% का अच्छा खासा जंप दिखा है। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर और एनालिस्ट है, उनका मानना है कि जिस प्रकार यह कंपनी अपने केमिकल के प्राइसेस बढ़ा रही है, उस हिसाब से इस कंपनी के जो है Q3 के रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग आ सकते हैं, जिसके चलते आज के दिन देख सकते हैं अच्छा खासा जंप भी दिखा है। तो क्या इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, तो देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। एक दिन में देखें तो 3.51% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वही एक माह का देखें तो 2% के नेगेटिव रिटर्न है। एक साल का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, 162% के अच्छे खासे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर को। वही 5 साल में देखें तो 2054% के रिटर्न है सिर्फ 5 साल में। वही मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, 12403% के रिटर्न है। चार्ट पैटर्न देख सकते हैं अप ट्रेंड वाला है, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है कंपनी का। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं 30,272 करोड़ का है, मतलब यह कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 28.5 है। वही डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.20% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं 39.9% है। वही रिटर्न ऑन इक्विटी 39.6% है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं 0.14 है, मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है। वही कंपनी का EPS देख सकते हैं 78 का है। प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज 5 साल का देखे तो 64.8% है। वही सेल्स ग्रोथ 5 साल का देखे तो 26% है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं और बैलेंस शीट में अपन देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास रिजर्व देख सकते हैं 2017 में 688, 894, फिर 2019 में देखे तो 1044, 2020 में 1544, वही 2021 में देख सकते हैं 2319। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं उनके रिजर्व में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। वही लॉन्ग टर्म का कर्जा देख सकते हैं कंपनी के ऊपर 524 करोड़ का कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्जा है। वही शॉर्ट टर्म का कर्जा देख सकते हैं 3 करोड़ का कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म का कर्जा है। और कंपनी का पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें और कंपनी ने देख सकते हैं 186 करोड़ का करंट इन्वेस्टमेंट भी किया है। वही कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट 5-स्टार बैलेंस शीट बोल सकते हैं, कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2017 में देख सकते हैं 1370 करोड़ का था, वही 2018 में 1651, 2019 में 2699, 2020 में 4229 और 2021 में देख सकते हैं 4359। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं उनके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। वही नेट प्रॉफिट देखें तो 2017 में 96 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 2018 में 79, 2019 में 173, 2020 में 611 और 2021 में देखें तो 775। ईयर ऑन ईयर देखें तो उनके प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास देख सकते हैं 45.69% तक शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हैं। वही फॉरेन इन्वेस्टर के पास देखें तो 10.85% शेयर है। DIs के पास देखते हैं तो 10.61% शेयर है। वही पब्लिक के पास देखें तो 32.84% शेयर है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कंपनी के 5-स्टार बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में किसी प्रकार की खराबी नहीं है, कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चल सकते हैं। यह स्टॉक अभी 20 से 21 से 22% डिस्काउंट पर मिल रहा है। कंपनी का अगर 52 वीक हाई देखे तो 3020 का है, वही कभी कंपनी अभी 2200 करंट प्राइस 2200 के लगभग कंपनी का प्राइस अभी मिल रहा है। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर चल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।